जी प्रोग्राम में खुशाम के स्पोर्ट्स पर आप देख रहे हैं और मैं बात कर रहा हूँ फिदा हुसैन बलोच से। पाकिस्तान का इस वक्त साउथ एशिया का इस वक्त टॉप बॉडी बिल्डर ये गिना जाता है। फिदा हुसैन, आप मुझे बता रहे थे अपनी डाइट के बारे में जी, इतना सब कुछ माशाल्लाह आप कंज्यूम करते हो, घर में बाकी सारे लोग भूख रहे थे। हाँ, ये अच्छा सवाल किया आपने। ये तो सिर्फ मैंने अपने डाइट का बताया कि मेरा रोज़ का खर्चा कितना होता है, 2000 प्लस कितना होता है खर्चा, और घर का खर्चा वो अलग, क्योंकि मुझे एक जॉब मिली है गवर्नमेंट की तरफ से, उससे मैं अपना घर चला लेता हूँ और एक जॉब यहाँ कर लेता हूँ अरीना क्लब में। इससे जो है ना मेरा बाइक आने जाने का खर्चा और घर पे ये भी कम पड़ता है, क्योंकि घर तो चलाना है, इसमें बिजली का बिल है, गैस का बिल है, मेरा एक बेटा भी है 5 साल का और एक छोटा बच्चा भी हुआ है मेरा, 8 महीने हुए हैं उसको, आकिब नाम है माशाल्लाह, उसको अल्लाह सेहत दे। 2 बेटे हैं मेरे, तो उनको भी देखना होता है, घर को भी देखना होता है। कितनी तनख्वाह मिलती है आपको जो आपका डिपार्टमेंट है उसको? 10,000 मिलता है डिपार्ट से। 10,000 रुपये तनख्वाह जी? हाँ। मिलती है, आपका खर्चा 1,00,000 रुपया है तकरीबन, तो ये 90,000 का गैप आप कैसे पूरा करते हैं? जो मेरे यार दोस्त हैं, जो मेरे कोच हैं, खुर्शीद साहब हो गए, तारिक भाई हो गए, आमिर भाई हो गए, और मेरे जो दोस्त हैं नवीद भाई हैं और भी हैं, कोई चिकन ला के देता है मुझे, कोई अंडा ला के देता है, और इसी तरह ये सब पूरा होता है मेरा सिलसिला। कब से कब तक चलेगा ये? कब तक आपके दोस्त आपको सपोर्ट करते रहेंगे? आपका दिल उचाट नहीं होता इस खेल से? वो कोशिश कर रहे हैं कि अल्लाह ताला कहीं से किसी का वसीला बना दे, गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करे, जब तक हमारे बस में होगा हम आपको सपोर्ट करते रहेंगे वगैरह। मगर मुझे खुद भी शर्म आता है उनको कहना कि यार मुकाबला आ रहा है, अभी मार्च में फिर मुकाबला आ रहा है, उसमें 3 ममालिक खेलेंगे, पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान, 3 ममालिक खेलेंगे। अब उसके लिए मुझे स्पॉन्सर लाजमी चाहिए होगा। अच्छा, क्या होता है आप बाहर जाते हो, दूसरे मुल्क के बॉडी बिल्डर्स आपको देखते होंगे, तो वो कभी जेलस होते हैं या कभी कुछ कहते हैं कि यार काश आप हमारे मुल्क में होते तो हम आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते? जेलस तो देखो, ये खेल है, कोई खुश होता है, कोई जेलस होता है। मुझे अफगानिस्तान से ऑफर हुई है कि आप आ जाओ हमारे पास, ऑफर हुई थी मुझे अफगानिस्तान से कि आप हमारी तरफ से पार्टिसिपेट करो, हम आपका खर्चा वगैरह बर्दाश्त करेंगे, मगर वो कह रहे हैं कि तैयारी आपको वहीं करना होगा। मैं कहा नहीं, तैयारी मैं यहाँ पाकिस्तान में करूँगा, बुरा नहीं, वहाँ आना पड़ेगा आपको अफगानिस्तान में। आपने साउथ एशिया खेला, बहुत सारे 8 मुल्क आप कह रहे हो आपने उनके खिलाफ खेला, वहाँ के बॉडी बिल्डर आपको दूसरे मुल्क के मिलते हैं, वो कुछ कहते हो कि कैसे आपने फिजिक बनाई, काश आप हमारे मुल्क में होते, या जेलस होते हो आपसे? देखो, जेलस तो वहाँ कुछ अच्छे स्पोर्ट्समैन भी होते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो जेलस होते हैं, क्यों मुकाबले में तो होता है ऐसा अक्सर, कम लोग आपसे प्यार करते हैं, कम लोग जेलस होते हैं, अब ये होता है स्पोर्ट में। मगर अफगानिस्तान से मुझे ऑफर हुई है, अफगानिस्तान ने कहा कि आप यार हमारी तरफ से पार्टिसिपेट करें, हम आपको आयद करते हैं अमेरिका से लड़ने के लिए, उन्होंने आपको यानी स्पोर्ट के बेस पे स्पोर्ट के बेस पे नहीं, उनके लड़कों को मैंने बीट किया, उन्होंने देखा, मुझे लाइक किया, मुझे पसंद किया, मेरी तस्वीरें उन्होंने खींची, काफ़ी देर बैठ के मुझसे बातें की उन्होंने, और मुझे नहीं, मैंने सब बताया था उनको, वो मुझे अपनी तरफ आयर करना चाहते थे, बुरा हमारी तरफ से यार पार्टिसिपेट कर सकते हैं आप, मैंने ना आ किया ना ना किया। जी हाँ जी हाँ। तो आप ऐसा है इरादा कि अफगानिस्तान चले जाए, क्योंकि मुख्तलिफ दूसरे खेलों के लोग, स्नूकर का एक खिलाड़ी मैं आपको बताऊँ, स्नूकर का एक खिलाड़ी जा चुका है अफगानिस्तान से खेल रहा है, तो आप ऐसा हो सकता है फ्यूचर में कि आप चले जाए? देखो, मेरे जो दोस्त हैं, जो मेरे कोच हैं, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किए हैं, मैं उनसे भी राय लेना चाहता हूँ वो क्या कहते हैं। लेकिन अगर यहाँ फिदा हुसैन बलोच चला जाता है तो ये तो पाकिस्तान का नुकसान है, तो आप पाकिस्तान का नुकसान कर देंगे? पाकिस्तान मेरे बारे में कुछ नहीं सोच रहा है, मैं पाकिस्तान के बारे में सोच रहा हूँ कि मैं पाकिस्तान का नाम रोशन करूँ, तो गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इस गरीब लड़के को एक घर मिल जाए, घर, एक डाइट की एक सपोर्ट हो जाए इसको, ये अपने मज़े से अपनी ट्रेनिंग करे और मुल्क का नाम रोशन करे, तो उनको भी सोचना चाहिए कि इस लड़के को कुछ दिया जाए,
मैं पाकिस्तान मिस्टर ओलंपिया पाकिस्तान एंड साउथ एशिया चैम्पियन रह चुका हूँ और मुझे कुछ नहीं मिला। अब 13 महीने के बाद मुझे 1 लाख रुपया मिला, 1 लाख, वो भी कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने। अभी कुछ पता नहीं है, मुझे चेक दिया था उन्होंने कल 1 लाख का। जी हाँ, प्राइम मिनिस्टर साहब ने जल्दी करा लें ताकि वो पैसे मिल जाए। और अगर बात करें आपके, आपका जो माशाल्लाह जो खर्चा आप करते हैं, मुझे ये बताया गया था आपके, मैं दोस्तों से बात कर रहा था इससे आने से पहले, आपसे जो लोग जुड़े हुए मैं उनसे बात मैंने की थी, उन्होंने कहा कि आप सुबह से लेकर मुख्तलिफ काम भी करते हैं, एक तो आपकी नौकरी है। हाँ, मैं सुबह सुबह फजर में उठता हूँ, अपना नमाज पढ़ के फिर उसके बाद मैं जाता हूँ, मैं एक और जाता हूँ घर पर भी ट्रेनिंग देता हूँ, फिर ट्रेनिंग के बाद फिर 7 बजे मैं उठ के जाता हूँ, वहाँ पे ट्रेनिंग देता हूँ 1.5 से 2 घंटे, फिर आता हूँ अपनी ट्रेनिंग करता हूँ, फिर डाइट भी मेरे साथ होता है, मैं डाइट भी लेता हूँ अपना, और जिम भी अपना जाता हूँ, और 2-3 जगहों पे जाता हूँ, उनको भी ट्रेनिंग देता हूँ। हम लोग, मैं 7 बजे से निकलता हूँ, रात 11 बजे मैं घर पहुँचता हूँ। तो ये ट्रेनिंग अगर कोई भी आपसे लेना चाहे ट्रेनिंग, तो फिर वो आपके पास आ सकता है? नहीं, वैसे मेरे फेसबुक में मेरा अकाउंट है मेरे नाम से, फिदाउसिन बलोच के नाम से, अगर किसी को किसी टिप की ज़रूरत हो तो फेसबुक में मेरा नाम, मेरे नाम से जो है ना, वो मुझे रब्ता कर सकता है। जी हाँ, रब्ता कर सकता है उसमें फेसबुक में। आप खुद कैसे करते हो? आपके पास भी कोई अच्छा ट्रेनर है तो आप उसको, आपको फीस भी पे करनी पड़ती होगी ना ट्रेनर को? नहीं, ट्रेनर मेरे पास अच्छा है मगर वो मुझसे फ़े नहीं लेता है, वो मुझे बल्कि सपोर्ट करता है, जैसे खुर्शीद साहब हैं, तारिक भाई हैं, आमिर भाई हैं और मेरे दोस्त हैं, सब मुझे सपोर्ट करते हैं। ऐसे लोग को हमें भी आप दिला दें, हमें भी बॉडी बिल्डर बन जाएंगे जो आपको सपोर्ट भी कर रहे हैं, पैसे भी दे रहे हैं, ऐसे लोग कहाँ होते हैं यार? ऐसे लोग बहुत कम हैं जो मुझे मिले, मैं कुछ नसीब हूँ, मगर कब तक करेंगे? ये तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, एक लड़का जब एक टॉप इंटरनेशनल लेवल पे आ गया तो हमें चाहिए उसको सपोर्ट करें, आगे ये खेल एशिया मिस्टर वर्ल्ड ये वहाँ आगे भी नाम रोशन करें पाकिस्तान का। के लोगों में जो सिंध में आप रहते हैं, सिंध के कभी मिनिस्टर से आपकी मुलाकात हुई है, डॉक्टर मोहम्मद अली शाह साहब से कभी आपने उनको बताया अपना मसला, कभी मुलाकात हुई है उनसे? नहीं, मेरी पर्सनल मुलाकात नहीं हुई इनसे। क्योंकि और बॉडी बिल्डर जिससे पहले मिलते रहे और उनको पैसे मिलते रहे, तो ऐसा मसला नहीं है, आप क्यों नहीं जाके मिल जाते? पीर आफ्ताब जिलानी साहब से मुलाकात हुई थी, उसके घर गया था, उस वक्त मैंने अपने थोड़े से मसाइल बताए थे जब मैं मिस्टर सिंध बना था, उस वक्त उन्होंने 50,000 का चेक दिया था मुझे। पीर आफ्ताब जिलानी से बहुत सारे लोगों ने बहुत पैसे ले लिए, मेरे सामने ही के दो बॉडी बिल्डर हैं। जी हाँ, उन्होंने पीर आफ्ताब जिलानी साहब ने मुझे 50,000 का चेक दिया था। अच्छा, अब जरा अपने फ्यूचर के बारे में, आज हम जनवरी के बिल्कुल एंड में बैठे हैं, अब आपका जिससे एक तो पाकिस्तान मिस्टर ओलंपिया पाकिस्तान का आपको टाइटल का दिफा करना है, एक तो चीज़ ये है, ठीक है, इंटरनेशनल मुकाबले फिदा हुसैन कौन से हैं जो करीब में आने वाले हैं? अब मार्च में होने वाले हैं। चलिए, मैं तफसील से इस प्लान पे बात करता हूँ, आपके प्रोग्राम का अगला हिस्से में बात करते हैं, अभी हम यहाँ लेते हैं ब्रेक के बाद, मिलते हैं फिदा हुसैन से।